गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स में गॉस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन निकाल कराऊंगा। इसके पहले मैंने आपको गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ टॉपिक्स बताए थे, उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। जो चीज ना समझ में आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम आज अपने न्यूमेरिकल पर चलते हैं और देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को हम हल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है, कह रहा है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई, यानी एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यानी फ्लक्स की संख्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स की संख्या पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन पहला है, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर वन क्या जा रहा है, इस पर दिया जा रहा है 2i प्लस 4j प्लस 7k, और यस दिया है क्या है ई डॉट एस, ई डॉट एस क्या होता है ई डॉट एस, तो ई की वैल्यू क्या दिया है 2i प्लस 4j प्लस 7k डॉट क्या है टेन जे कैर, टेन जे कैर को कह सकते हो 0i प्लस 10j प्लस 0k, या भी लिख सकते हो यहां लिखा 0i प्लस 10j प्लस 0k। अब देखो 2i का क्या आएगा, का मल्टीप्लिकेशन i कैर से, j कैर का मल्टीप्लिकेशन j कैर से, k कैर का मल्टीप्लिकेशन k कैर से, तो 2 का 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0, और का टेन करेंगे क्या जाएगा 40, 7 का 0 करेंगे तो 0, तो टोटल कितना आ जाएगा 40 मात्र, यानी 40 मात्र। फिर सब क्या देते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र E इसको जो 2i क्या प्लस 4j क्या प्लस 7k क्या में लगने पर पृष्ठ कितना है 10j है से होकर इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा। हम जानते हैं क्या वैद्युत फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू ई डॉट एस या ई डॉट ए, तो ए यहां आने में यस दिया है तो ई डॉट यस, तो ई डॉट यस यस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको कहते हैं, तो ई की वैल्यू है 2i का प्लस 4j का प्लस 7k का, और यस की वैल्यू क्या है 10j के जो कह सकते हैं 0i का प्लस 7j का प्लस 0k का, तो इनका गुणनफल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या 40 मात्र, यानी 14 मात्र। ठीक है, अब आइए अब दूसरे सॉल्यूशन पर हम चलते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2, इस पर चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 क्वेश्चन क्या दे रहा है हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो आंसर आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 1707 पिको कूलाम, यानी 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 एम्पीयर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, यानी एक घन के केंद्र पर रखा है, इस पर रखा हुआ है एक घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो घन हम बना सकते हैं, पहले हम देख सकते हैं घन क्या होता है। ठीक है, ये घन है, क्या है ये घन है, तो घन के अगर देखें हम तो घन में कितने कोर होते हैं 1, 2, 3, 4, 1 हो गया 2, 3, 4 और 5 और 6, यानी कितने कोर होंगे 6 कोर, यानी 6 कोर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले कहा कि यदि 1707 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, तो घन की प्रत्येक से, यानी प्रत्येक कोण से, यानी प्रत्येक भुजा से, प्रत्येक सतह से निकलने वाला, प्रत्येक सतह से निकलने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए।
यानी फ्लक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ये क्या निकालते हैं, आइए निकलते हैं, देखते हैं क्या लिया है। 17.7 पिको कूलम आवेश है। अब चूंकि क्या होता है y is equal to क्या दिया होता है q by epsilon 0, लेकिन यहाँ पर क्या धन पर है, धन पर कितने करोगे, 6 करोगे, तो 6 pi is equal to क्या हो जाएगा q by epsilon 0। या y एक सत्य पर पूछ रहा है, ये सत्य पर पूछ रहा है, तो phi is equal to क्या हो जाएगा q by 6 epsilon 0। अब यहाँ पर q की वैल्यू और epsilon 0 की वैल्यू का मान रख देते हैं। किसका मान रखते हैं, q की वैल्यू और epsilon 0 की वैल्यू का मान रख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है। क्या दिया है, q की वैल्यू कितनी दी है, अब अगर हम इसको काट देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की यानी 6, यानी 1/3 मात्रा कह सकते हो या कह सकते हैं कूलाम, क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, चुनाव जाए एक बता दें, इसको और हल करना हो 0.33 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चनों को समझे होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे आशा करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे अगले दिन आपको नेक्स्ट डे आपको 2 क्वेश्चन और हम कराएंगे, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, तो आप बुक से इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को आप अपने बुक से हल कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ न आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसका नंबर है 9 6, आपके व्हाट्सएप नंबर है 9792, इस नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे जो भी क्वेश्चन आप नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वह क्वेश्चन का सलूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।